वेलकम टू वीलर्न, वीलर्न में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट लेबर लॉ, सेशन नंबर 4। टॉपिक टू बी कवर्ड इन दिस सेशन, हेल्थ सेफ्टी provisions relating to hazardous processes, welfare of workers, working hours of adult workers, employment of young persons, annual leave with wages, and now health. Health means, देखिए अगर health की बात आती है तो Tackley Act 1948 ने क्लियर डिफाइन किया है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को, किसी भी कंपनी को, किसी भी फैक्ट्री को या एम्प्लॉयर को उन सारे मेजर्स को देखना होगा जिससे कि वहां पर काम करने वाले वर्कर्स की हेल्थ पर बैड इफेक्ट ना पड़े, जिसके लिए उसे क्या करना है, क्लीनलाइननेस। दैट मींस द एनवायरमेंट इज वेरी क्लीन, मस्ट बी क्लीन टू द वर्कर्स। एनवायरमेंट जो है क्लीन लाइन होना चाहिए, किसी प्रकार की गंदगी, डिजीजेज फैलाने वाला एनवायरमेंट या वातावरण नहीं होना चाहिए। सेकेंडली डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स, और उससे जो वेस्ट निकलता है, क्योंकि फैक्ट्री जो है प्रोसेस का काम होता है, उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, वेस्ट मटेरियल का डिस्पोजल होता है, उस डिस्पोजल और एफ्लुएंट्स जो भी है, जो कि किसी भी पर्सन की हेल्थ के लिए हजार्डस हो सकता है, उसको इमीडिएटली उसके लिए कोई अल्टरनेट व्यवस्था करनी चाहिए या करनी है, जो कि उसके अंदर कीटाणु पैदा ना हो, उसे कहीं भी उस रफेज को व्यवस्थित करना है। वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर, वेंटिलेशन का पूरा ध्यान देना है कि वहां पर जो है हवा आती रहे, वातावरण सुरक्षित रहे, वर्कर्स को सांस लेने की दिक्कत ना हो, और टेम्परेचर हाई टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर इस तरह का हो जिससे कि वर्कर इजली सरवाइव कर सके। डस्ट एंड फ्यूम, अगर धूल उड़ने वाला वातावरण है तो उसका जो है प्रतिकूल इफेक्ट वर्कर्स की हेल्थ पर पड़ सकता है, और रेसा जो होता है, जो रेसा उड़ता है, उसकी भी अल्टरनेट व्यवस्था करनी है कि किसी भी फैक्ट्री में डस्ट नहीं उड़नी चाहिए, रेसा नहीं उड़ना चाहिए, आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए, ओवरक्राउडिंग बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। That means कि जो लेआउट बनाया जाता है, लेआउट इस तरह का हो जिससे कि गैदरिंग ना हो, पर्सन से पर्सन की दूरी जो वर्क करते हैं उस चीज का ध्यान रखना है, प्रॉपर अरेंजमेंट एवरी पर्सन के लिए होना चाहिए जो उसमें काम कर रहा है, ताकि उसकी हेल्थ पर प्रतिकूल इफेक्ट ना पड़े। लाइटनिंग मींस प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, अगर लाइट नहीं होती है तो वर्कर की आई साइड वीक हो सकती है, या वो अंधेरे में मशीनरी में कहीं भी गलत स्टेप उठा सकता है और उससे उसकी हेल्थ पर प्रतिकूल इफेक्ट पड़ेगा, या किसी भी पार्ट्स ऑफ बॉडी पर प्रतिकूल इफेक्ट पड़ेगा, वो चीज नहीं होनी चाहिए। एंड ड्रिंकिंग वाटर इज ऑल्सो देयर, पीने के लिए पानी नीट एंड क्लीन होना चाहिए ताकि उनको किसी प्रकार की डिजीजेस उनको सफर ना करें। देन कंजर्वेंसी अरेंजमेंट, और कंजर्वेंसी अरेंजमेंट भी वहां पर प्रॉपर होना चाहिए। देन स्पिटून्स, और स्पिटून्स की व्यवस्था उचित व्यवस्था होनी चाहिए। सेफ्टी वन, फेसिंग ऑफ मशीनरी, अगर मशीनरी आपकी चल रही है तो उस पर कवर होना चाहिए,
ओपन मशीन का यूज अलाउ नहीं है, जिससे कि वर्कर्स की सेफ्टी हो, वर्कर्स का कोई भी हाथ पैर उंगली उसके अंदर न जा सके, इस तरह का कवरेज आप जो है मशीनरी पर रखेंगे। वर्क ऑन और नियर मशीनरी इन मोशन, और काम जो है मशीनरी के नजदीक हो, मोशन में हो। एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्संस ऑन डेंजरस मशीन, और यंग पर्संस जो है डेंजरस मशीन पर नहीं अपॉइंट करने चाहिए, एक्सपीरियंसड पीपल को ही उस डेंजरस मशीन पर आपको काम कराना है। न्यू अपॉइंटेड या नए नौसिखिए जो होते हैं उनको डायरेक्टली आप डेंजरस मशीन को ऑपरेट करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। स्ट्राइकिंग गियर एंड डिवाइसेस फॉर कटिंग ऑफ पावर, और पावर को कट करने के लिए स्ट्राइकिंग गियर होने चाहिए, या इस तरह के डिवाइस हो जो कि डायरेक्टली किसी भी पर्सन को, किसी वर्कर्स को पावर से नुकसान न पहुंचे। सेल्फ एक्टिंग मशीन्स, और कोशिश ये की जाए कि मशीन्स जो है ऑटोमेटिक चलती रहे, वर्कर्स को फोर्स न लगाना पड़े, केवल मॉनिटरिंग पार्ट वर्कर्स के का होना चाहिए। कैसिंग ऑफ न्यू मशीनरी, और न्यू मशीन कैसिंग होनी चाहिए। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस नियर कॉटन ओपनर्स, और औरतों को और बच्चों को जो है जहां पर कॉटन ओपनर्स होते हैं वहां से रोकना है, उस जगह पर उनको काम नहीं देना है। रोस्ट एंड लिफ्ट का यूज करना चाहिए ताकि उनकी बॉडी पर प्रतिकूल इफेक्ट ना पड़े। वेट ले जाते समय या वेट उठाते समय वेट लिफ्ट होनी चाहिए जो कि आप कहीं भी उस माल को पहुंचा सकते हैं। रिवॉल्विंग मशीनरी इज ऑल्सो नेसेसरी, आप रिवॉल्विंग मशीन का यूज कर सकते हैं। प्रेशर प्लांट का भी आप यूज कर सकते हैं। पिट्स, सम्स एंड ओपनिंग इन फ्लोर्स, ये सब चीजें वर्कर्स की सेफ्टी की दृष्टि से होनी चाहिए। प्रीकॉशंस अगेंस्ट डेंजरस फ्यूम्स एंड गैसेस, और दूसरी बात यह है कि जब आप हीट अप करते हैं तो हीट प्रोड्यूस वेरियस काइंड्स ऑफ गैसेस एंड फ्यूम्स, तो ऐसी डेंजरस गैसेस के से बचाने के लिए कोई ना कोई आपको व्यवस्था करनी है जो कि वर्कर्स को उसका हार्मफुल इफेक्ट ना पड़े, उनको सांस लेने में दिक्कत ना आए या उनके श्वसन क्रिया खराब ना हो जाए, उसका ध्यान रखना है। प्रीकॉशंस अगेंस्ट यूजिंग पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट्स, और जो पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट होती है उसका यूज नहीं करना है, या उसका यूज अगर आप कर रहे होते हैं तो पूरी सावधानी बरतनी है, और सावधानी के लिए आपको किसी न किसी तरह का अपरेटस यूज करना है। एक्सप्लोसिव और इनफ्लेमेबल मटेरियल्स का अगर आप यूज करते हैं, अगर आप लाइसेंस आपने लिया हुआ है एक्सप्लोसिव मटेरियल का यूज करने के लिए, तो उसको जो है केयरफुली यूज करना है, उसके हजार्ड्स, उसके नुकसान से कैसे बचा जा सके, उस तरह की पॉलिसीज या एथिकल डिलेमा आपको बनाना है। प्रीकॉशंस इन केस ऑफ फायर, और आग से बचने के लिए जितने भी प्रीकॉशंस होते हैं वो रेडी होने चाहिए, अवेलेबल होने चाहिए, ताकि वर्कर्स को जो है सेफ किया जा सके। सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग्स एंड मशीनरी, और पूरे बिल्डिंग और की जो है सेफ्टी होनी चाहिए कि किसी तरह का बिल्डिंग के अंदर नुकसान ना हो और मशीनरी से किसी तरह का नुकसान ना हो। मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, और बिल्डिंग का मेंटेनेंस टाइम टू टाइम कराना चाहिए ताकि वेस्टेज या रफेज जो होता है बिल्डिंग का वो आप लेबर्स की हेल्थ को नुकसान ना पहुंचाए। एंड सेफ्टी ऑफ ऑफिसर्स, और सभी ऑफिसर्स की सेफ्टी करने के लिए नेसेसरी फुटेज स्टेप हमें उठाने चाहिए। प्रोविजंस रिलेटिंग टू हजार्डस प्रोसेसेस, एनी प्रोसेसेस और एक्टिविटीज इन रिलेशन टू एन इंडस्ट्री स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल वेयर अनलेस स्पेशल केयर इज टेकन, रॉ मटेरियल यूज डियर इन और द इंटरमीडिएट और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स
बाई प्रोडक्ट्स वेस्टेज और एफिलिएट्स देयर ऑफ वुड कॉज मेटेरियल इंपेरिमेंट टू द हेल्थ ऑफ द पर्सन एंगेज इन और कनेक्टेड देयर विद। तो ये सारी चीजें इनसे बचने के लिए स्पेशल केयर हमें करनी है, जिसमें आपके बाई प्रोडक्ट होता है। और बाई प्रोडक्ट हम किसे कहते हैं, जिस जो मेन प्रोडक्ट होता है उसके साथ एक और प्रोडक्ट आ जाता है, हमारा प्रोड्यूस होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं रिफाइनरीज की, तो उसके अंदर जो है बहुत सारे बाई प्रोडक्ट आपके निकलते हैं, और वो बाई प्रोडक्ट दे आर नॉट यूजलेस, दे हैव ऑल्सो वेरियस काइंड ऑफ यूज। जैसे लास्ट बाई प्रोडक्ट हमारा तारकोल होता है, जो आपके रोड्स वगैरह ब्रिज वगैरह बनाने के काम आता है। तो इसी तरह से बहुत सारे बाई प्रोडक्ट आपके प्रोसेस के साथ निकलते हैं, उनकी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उनसे जो है लेबर्स की हेल्थ को प्रॉब्लम ना हो। रिजल्ट इन द पॉल्यूशन ऑफ द जनरल एनवायरमेंट, और उनसे जो है जनरल एनवायरमेंट पॉल्यूटेड होता है, इसलिए उनको जहां भी वो निकलते हैं वहां पर उस प्लेस को पूरी तरह कवर्ड रखना चाहिए, या फिर ऑटोमेटिक मशीन्स को इस तरह की यूज करनी चाहिए जिससे कि उसको कलेक्ट किया जा सके। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साइट अप्रेजल कमेटी, और साइट अप्रेजल कमेटी बनानी चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन करना चाहिए ताकि वो उसको मॉनिटर कर सके कि किसी तरह इसकी प्रॉब्लम्स एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स तो नहीं है जिससे कि वर्कर्स को परेशानी हो या उसकी हेल्थ को परेशानी हो। कंपल्सरी डिस्क्लोजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द ऑक्यूपायर्स, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट इंक्वायरी कमेटी, और सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा पावर है किसी भी फैक्ट्री की इंक्वायरी करने के लिए कि वो उसके अंदर जो रिलीजेज हैं वो लेबर को हार्म तो नहीं कर रहे हैं। यदि कर रहे होते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कमेटी बनाई है सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा पावर है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस का लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। इमरजेंसी स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन को सेट करने हैं कि यदि कोई इमरजेंसी आती है तो उस केस में ऑर्गेनाइजेशन क्या स्टेप उठाएगा। परमिजिबल लिमिट्स ऑफ एक्सपोजर्स ऑफ केमिकल एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस, और जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर परमिशन है हमें एक्सपोजर को या केमिकल्स को यूज करने की, तो वो कितनी लिमिट्स में हम यूज कर रहे हैं, क्या हम जो परमिजिबल लिमिट्स है उसके दायरे में है या उससे ज्यादा है। हमेशा हमें उस रूल्स को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज वर्कर्स पार्टिसिपेशन इज सेफ्टी मैनेजमेंट, और सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए वर्कर्स का पार्टिसिपेशन आवश्यक होगा। राइट ऑफ वर्कर्स टू वार्न अबाउट इमीडिएट डेंजर्स, और हर वर्कर का यह अधिकार है कि अगर कोई डेंजर इमीडिएट होता है तो उससे बचने के लिए वो जो है मैनेजमेंट को वार्न करे, मैनेजमेंट को बताए कि इस तरह का हार्मफुल इफेक्ट जो है हमें हो रहा है। वेलफेयर ऑफ वर्कर्स, वॉशिंग एंड सिटिंग फैसिलिटीज वहां पर होनी चाहिए, क्योंकि वेलफेयर वर्कर्स का बहुत जरूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो उनके लिए हाथ धोने के लिए, नहाने के लिए, बैठने के लिए फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि जब भी वो कार्य से थक जाए तो वहां पर इजीली आराम कर सके, थोड़ी देर के लिए बैठ सके। द फैसिलिटीज ऑफ द फर्स्ट एड अप्लायंसेस एंड एम्बुलेंस रूम इज ऑल्सो नेसेसरी इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन और एवरी फैक्ट्री और कंपनीज। हर इस तरह की फैक्ट्री में फर्स्ट एड की फैसिलिटी होनी चाहिए, फर्स्ट एड अप्लायंसेस होने चाहिए। एम्बुलेंस की व्यवस्था भी कंपनी के पास, फैक्ट्री के पास होनी चाहिए ताकि अगर किसी तरह की मिसहैपनिंग होती है तो इमीडिएटली वर्कर्स को हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। कैंटीन की व्यवस्था होनी चाहिए, रेस्ट रूम भी होना चाहिए एंड लंच रूम फैसिलिटीज भी आवश्यक होंगी। क्रैचेज फैसिलिटीज, अगर आप वुमेन्स का काम कराते हैं, वुमेन्स आपके यहाँ ज्यादा है, तो छोटे छोटे बच्चों के लिए क्रैचेज फैसिलिटीज होनी चाहिए ताकि उनको वहां रखा जा सके और वुमेन
इजीली जो है वर्क कर सके। द अपॉइंटमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफिसर्स और वेलफेयर ऑफिसर्स जो है स्पेशली वर्कर्स के लिए अपॉइंट करने चाहिए, जो केवल वर्कर्स के वेलफेयर की तरफ फोकस करेंगे। वर्किंग आवर्स ऑफ एडल्ट वर्कर्स वीकली एंड डेली वर्किंग आवर्स डिफाइंड होने चाहिए कि रोजाना कितने घंटे काम करना है और वीक में कितने घंटे काम करना है। वीकली एंड सब्स्टिट्यूटेड हॉलीडेज होने चाहिए, हफ्ते में एक दिन की छुट्टी जरूर होनी चाहिए और सब्स्टिट्यूट करने के लिए भी आप छुट्टी अलाउड कर सकते हैं। कंपनसेटरी हॉलीडे, जो कि आप वीकली हॉलीडे आपने नहीं लिया है तो उसको कंपनसेट करने के लिए आप किसी अनदर डे में हॉलीडे ले सकते हैं, लीव ले सकते हैं। इंटरवल फॉर रेस्ट और इंटरवल रेस्ट के लिए होना चाहिए। स्प्रेड ओवर नाइट शिफ्ट एंड डबल एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज होनी चाहिए कि यदि आप रात में काम कराते हैं या ओवर टाइम कराते हैं तो उसका आप डबल पेमेंट देंगे। जो नॉर्मल पेमेंट है उससे दो गुना पेमेंट आपको देना होगा पर आवर्स के रेट से। एक्स्ट्रा वेजेस फॉर ओवर टाइम, और ओवर टाइम के लिए एक्स्ट्रा वेजेस एप्लीकेबल है। नोटिस ऑफ पीरियड्स ऑफ वर्क फॉर एडल्ट वर्कर्स सेक्शन 66 एंड पावर टू मेक एग्जेम्प्टिंग रूल्स एंड ऑर्डर्स, और एग्जेम्प्टेड रूल्स एंड ऑर्डर्स बनाने के पावर्स होने चाहिए। एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स, और चिल्ड्रंस को जो कि जिनकी एज 14 ईयर से कम है उनको काम करने के लिए अलाउड नहीं करना है, उनको काम से रोकना है फैक्ट्री में। इफेक्ट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ग्रांटेड टू एडोलेसेंट्स, और जो बीमार व्यक्ति है उनको काम पर तभी लाना है जब उनके पास से सर्टिफिकेट फिटनेस का ले लिया जाए। वर्किंग आवर्स फॉर चिल्ड्रन इज ऑल्सो डिफाइंड कि अगर चिल्ड्रंस किसी छोटा काम है, हल्का काम है, अगर आप रखना भी चाहते हैं तो उसके वर्किंग आवर्स को डिफाइंड करें कि हाउ मेनी आवर्स वर्क बाय द चिल्ड्रंस। एनुअल लीव विद वेजेस, सेक्शन 79 ऑफ द एक्ट डील्स विद द प्रोविजन ऑफ एनुअल लीव्स विद वेजेस कि उनकी एनुअल लीव कितनी होनी चाहिए, साल में कितने दिन की छुट्टी उनको मिलनी चाहिए, और दैट लीव शुड बी पेड, वो लीव जो है पेड होनी चाहिए। द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द एनुअल लीव टू विच ए वर्कर वुड बी एंटाइटल्ड इन ए ईयर इज द प्रीवियस कैलेंडर ईयर ड्यूरिंग विच ही हैड वर्क्ड इन फैक्ट्री। क्वालिफाइंग पीरियड, द मिनिमम नंबर ऑफ डेज विच एंटाइटल्ड ए वर्कर टू अर्न लीव इज 240 ड्यूरिंग ए कैलेंडर ईयर विच पीरियड शुड बी इंक्लूड द डे ऑफ ले ऑफ विच मे बी एज ए रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट और एज परमिजिबल अंडरस्टैंडिंग ऑर्डर। द लीव अर्न्ड इन द ईयर प्रायर टू दैट इन विच लीव इज अप्लाइड फॉर एंड इन द केस ऑफ फीमेल वर्कर्स मैटरनिटी लीव फॉर एनी नंबर ऑफ डेज नॉट एक्सीडिंग 12 वीक, 12 वीक से ज्यादा की मैटरनिटी लीव किसी भी फीमेल वर्कर्स को अलाउड नहीं है, लेकिन 12 वीक तक आप अलाउ कर सकते हैं। रेट ऑफ लीव, इन द केस ऑफ एन एडल्ट 1 day फॉर एवरी 20 डेज ऑफ वर्क परफॉर्म बाई हिम ड्यूरिंग द प्रीवियस कैलेंडर ईयर। इन केस ऑफ चाइल्ड 1 day फॉर एवरी 15 डेज ऑफ वर्क परफॉर्म बाई हिम ड्यूरिंग द प्रीवियस कैलेंडर ईयर। एंड नाउ अनअवेल्ड लीव, इफ ए वर्कर हैज नॉट अवेल्ड ऑफ पोर्शन ऑफ हिज लीव इन वन कैलेंडर ईयर सच रिमेनिंग पोर्शंस ऑफ लीव शैल बी कैरीड ओवर एंड एडेड टू द लीव टू बी अलाउड टू हिम इन द सक्सीडिंग कैलेंडर ईयर सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द टोटल नंबर ऑफ डेज टू बी कैरीड फॉरवर्ड वुड नॉट एक्सीड इन द केस ऑफ एडल्ट 30 डेज इन द केस ऑफ चाइल्ड 40 डेज। दैट मीन्स अगर कोई भी वर्कर किसी पर्टिकुलर ईयर में छुट्टी नहीं लेता है तो उसकी छुट्टी जो है कैरी फॉरवर्ड कर दी जाएंगी नेक्स्ट ईयर के लिए, लेकिन ये ध्यान रखना है कि एडल्ट की छुट्टी 30 दिन से ज्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकती है और चाइल्ड के केस में 40 डेज से ज्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकती है, यानी एक महीने का जो ड्यूरेशन है वो आप नेक्स्ट वीक ले सकते हैं।
प्रोसीजर फॉर अवेलिंग ऑफ लीव, अ वर्कर हु वांट टू अवेल ऑफ लीव इज रिक्वायर्ड टू मेक एन एप्लीकेशन टू द मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री एट लीस्ट 15 डेज इन एडवांस, एक्सेप्ट इन केस ऑफ पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न वेयर द एप्लीकेशन फॉर लीव कैन अवेल ऑफ इन 3 इंस्टॉलमेंट्स इन ईयर एट द मोस्ट. If the worker want to leave with wages due to him to cover a period of illness, in the worker need not apply in advance. अगर कोई worker बीमार हो जाता है और बीमारी के कारण उसको जो है leave लेनी है तो उसको जो है किसी तरह की advance permission की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आप planned leave लेना चाहते हैं तो आपको जो है managers को 15 दिन पहले इंफॉर्मेशन देनी होगी एडवांस लीव के लिए. द वेजेज इन सच केसेस एडमिजिबल टू हिम आर रिक्वायर्ड टू बी पेड इन एडवांस विद इन 15 डेज एंड इन केस ऑफ पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन रिक्वेस्टिंग फॉर ग्रांट ऑफ लीव. एनुअल लीव विद वेजेज टू unavailed leave and notice of discharge and dismissal, wages during leave period, advance payment of leave wages, mode of recovery of unpaid wages, power of state government, and now do it yourself. What are the provisions relating to hazardous processes? And number two, what is the safety? And that's it from session number four. Thank you. Happy learning. Be learning.